गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इनोवेटिव आशुतोष पर। स्टूडेंट्स, आज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स का जो पांचवा पार्ट है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे, और ये पार्ट होगा मुख्य रूप से समर्पित उसका क्वेश्चन और आंसर। कहने का मतलब हुआ कि जंतुओं में जनन का प्रश्न अभ्यास प्रश्नोत्तर आज हम लोग करेंगे, लेकिन उसके पहले एक थोड़ा सा हल्का सा पढ़ेंगे। बहुत लोग हम में से मुर्गे खाते हैं, तो आज थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुर्गियां जो है वो अंडे कैसे देती हैं और क्या क्या करती हैं उससे कि चूजा निकलता है। आइए सीखते हैं। जो एक मुर्गी होती है उसके अंदर होता है आंतरिक निषेचन, मतलब कि निषेचन की जो प्रक्रिया है नर युग्मक और मादा युग्मक उसके संलयन का जो काम है यह होता है मुर्गी के शरीर के अंदर। ठीक है, इसलिए इसमें हो गया इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कहने का मतलब आंतरिक निषेचन। इसके बाद वो कुछ दिन के बाद एक अंडे में जब वह कवच आ जाता है तब वह अंडे को बाहर रख देती है, बाहर निकाल देती है। ठीक है, अंडे पैदा करते हैं। इसके बाद कुछ दिन तक उसको वह सेंकने का काम करते हैं। क्या करते हैं? सेंकने का काम, वो लगभग 3 सप्ताह का। कहने का मतलब हो गया कि 3 सप्ताह मतलब 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 3 सप्ताह मतलब लगभग 21 दिन। ठीक है, 21 दिन वह सेंकने का काम करती है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं अंडे सेना। मैं अंडों की सेना नहीं बोल रहा हूँ, जो अंडा को अपने पंख से अपने शरीर की गर्मी से अंडे को सेंकती है इसको बोलते हैं अंडे सेना। क्या बोलते हैं? अंडे सेना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं हैचिंग। क्या बोलते हैं? हैचिंग। ठीक है, इस प्रक्रिया को जो अंडा को अपनी गर्मी देती है, होता क्या है कि जो अंडा है उसको गर्मी चाहिए 36, 36.5, ठीक है, डिग्री के आसपास उसको गर्मी चाहिए। तो और उतने दिन के बाद वह धीरे 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 उसके अंदर चूजा जो है वो डेवलप हो जाता है, विकास हो जाता है उसका। इसके बाद वो फिर उस अंडे को काकवच को तोड़ करके बाहर निकल जाता है और बहुत जल्दी जो है चलने फिरने फुदकने लगता है, है ना। तो इसको अंडे सेना कहते हैं। और जो उसको गर्मी देती है, जो उसको ताप देती है मुर्गी अपने अंडे को बड़े प्यार से सेंकती है, आखिर उससे उसका बच्चा निकलने वाला है। तो यह जो गर्मी देती है उस गर्मी का नाम क्या है? उस गर्मी का नाम है ऊष्मायन। ठीक है, क्या नाम है उसका? ऊष्मायन। क्या करती है? इनक्यूबेशन। इनक्यूबेशन मतलब हो गया ऊष्मायन। ठीक है, उसको गर्मी देना इसको इनक्यूबेशन बोलते हैं। तो इसका पीरियड कितना हुआ? यदि कोई बोले कि ऊष्मायन ताप कितने दिनों का होता है, ऊष्मायन अवधि या पीरियड, ठीक है, कितने दिनों का हो गया? तो 3 सप्ताह। ठीक है, मतलब 21 दिन, समझ गए। इनक्यूबेशन पीरियड कितने दिनों का? 3 सप्ताह, मतलब 21 दिन। और इसको क्या बोलते हैं? अंडे सेना, समझ गए। तो क्वेश्चन आएगा कि मुर्गी अपने अंडे को गर्मी देती है इसे क्या बोलते हैं? अंडे सेना, हैचिंग बोलते हैं। और जो ऊष्मायन ताप है वो कितने दिनों का होता है? तो 3 सप्ताह का होता है, 21 दिन में। इसके बाद वो कवच फाड़ करके चूजा बाहर निकल आता है, समझ गए। तो इसमें इतना ही था। और यदि मनुष्य की बात की जाए तो उसका जो गर्भकाल है कितना होता है? माँ के पेट में बच्चा कितने दिनों तक रहता है? 9 महीने। और 9 महीनों को यदि हम लोग दिनों में गिनती करें तो कितने दिन हो जाएंगे? 270 से लेकर के 280 दिन। ठीक है, जो एक एवरेज होना चाहिए एक स्वस्थ रूप से जो बच्चा माँ के शरीर से बाहर आएगा उसके लिए। ठीक है, चलिए अब हम प्रश्नों को देखते हैं और इसको हल करते हैं। ठीक है, आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठ जाएँ आप लोग भी, और मैं क्वेश्चन बोलूँगा, किताब सामने में रखें और मैं जवाब समझाऊंगा और लिखूंगा। आप लोग भी उसको नोट करिएगा, लेकिन समझ समझ के, समझ गए, समझ समझ के समझना है और लिखना है। ओके, तो
ये मैंने निकाल लिया आपका टेक्स्ट बुक, ई बुक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक आप भी निकाल सकते हैं इसको। देखिए कुछ है, 10 प्रश्न हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न में जो पहला है, क्या है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, आंतरिक निषेचन, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर से बाहर। तो आप जानते हैं तो कहाँ होता है, जगह का नाम है मादा के शरीर में, मादा के शरीर में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, हाइड्रा में कैसा जनन होता है, हाइड्रा में जो जनन होता है वह तो अलैंगिक होता है, लेकिन उसका नाम क्या है, बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन या द्विविभाजन। तो हाइड्रा में होता है मुकुलन, दैट इज मुकुलन को क्या बोलते हैं, बडिंग, क्या बोलते हैं, बडिंग, ओके। तीसरा तीसरा है मादा युग्मनज और नर युग्मनज, मतलब समझ सकते हैं कि अंडाणु और शुक्राणु इन दोनों का संयोजन की जो विधि है, जो प्रक्रिया है, उसको क्या बोला जाता है, यहाँ लिखें नर युग्मक, ठीक है, और वो जुड़ जाएगा मादा युग्मक से, ठीक है, मादा युग्मक से। इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इस प्रक्रिया को युग्मनज, निषेचन, परागण या कुछ नहीं, इस प्रक्रिया को बोला जाता है निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अगला प्रश्न, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या, वो शुक्राणु हो, अंडाणु हो, ठीक है, दोनों ही मैं या फिर इसकी बात हो, युग्मनज की बात हो, तो युग्मनज भी तो एक एक ही सेल है, मतलब एक कोशिका है, तो इसमें केंद्रकों की संख्या कितनी होगी। तो जो युग्मनज है उसमें भी केंद्रक की संख्या, युग्मनज में कितने केंद्रक, तो एक ही केंद्रक, कितने केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं, एक ही केंद्रक होगा, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कोई नहीं, 1, 2, 4। अब आते हैं पांचवा सवाल, पांचवा सवाल है कि द्विखंडन द्वारा जनन किस में होता है, द्विखंडन, द्विखंडन किस में होता है, हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में या बैक्टीरिया में। तो अमीबा में होता है, किस में होता है, अमीबा में, अमीबा में जो है वो विखंडन की प्रक्रिया होती है, और विखंडन दो प्रकार के, एक द्विखंडन एक बहुखंडन, बहुखंडन जो है वो मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम में होता है, और द्विखंडन होता है अमीबा में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, समझ गए, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, लाइक करो, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न, सही कथन के सामने टिक का निशान लगाएं, समझ गए, सही के सामने टिक का लगाना है। शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होते हैं, शुक्राणु जो है कहाँ पे मैच्योर होता है, शुक्राणु जो है, पहला क्वेश्चन, पहला जो है वृषण में मैच्योर होता है, ये लिख रहा है परिपक्व होता है, ये सही है या गलत, ये बिल्कुल सही है। अगला है मेढक में बाह्य निषेचन, मेढक में बाह्य निषेचन होता है, सही है या गलत है, बिल्कुल सही है। तीसरा देखते हैं अमीबा, इसमें अलैंगिक जनन होता है, यहाँ लिखा है कि अलैंगिक में से मुकुलन होता है, ये गलत है, अमीबा में द्विखंडन होता है, अभी हमने पढ़ा, ओके। अगला है निषेचन, जब निषेचन की प्रक्रिया पूरी होती है तो फिर क्या बनता है, बोल रहा है यहाँ युग्मनज बनता है, तो ये सही है ना। अगला सवाल है भ्रूण एक एकल कोशिका का बना होता है, ऐसा नहीं है, युग्मनज जो है
वो एक कोशिका का बना होता है, लेकिन उसमें जब कोशिका विभाजन होता है तो ढेर सारी कोशिकाएं बन जाती है, तब वो ऊतक बन जाता है, और कई ऊतक मिल करके फिर एक अंगतंत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, जो कि भ्रूण का रूप ले लेता है, समझ गए, भ्रूण कहलाता है वो। तो ये हो गया दूसरा प्रश्न। तो भ्रूण जो है एकल कोशिका का बना होता है, गलत है, ठीक है, वो बहुकोशिकीय होता है, उसमें कई कोशिकाएं होती हैं, समझ गए। चलिए ये हो गया दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है खाली जगह को भरें। तो जंतुओं में नर युग्मक, जंतु में नर युग्मक जो है वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सोचिए, उसका नाम है शुक्राणु, याद आया, स्पर्म्स, ठीक है। दूसरा प्रश्न, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन, ठीक है, नर युग्मक, सोचिए, नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों मिल गया तो ये क्या कहलाता है, संलयन का नाम है, ये जुड़ दोनों जुड़ गया तो इसका नाम हो जाएगा निषेचन, दैट इज फर्टिलाइजेशन, ओके। तो फर्टिल निषेचन यहाँ भरा जाएगा। युग्मनज विकसित होकर, जो युग्मनज है वो विकसित होकर के क्या बनता है, वो भ्रूण बनता है, ठीक है, क्या बनता है, भ्रूण का निर्माण करता है, समझ गए। चौथा, टैडपोल, टैडपोल मेढक का, मेढक में रूपांतरण क्या कहलाता है, टैडपोल जो है अर्धविकसित होता है, वो विकसित होकर के एक वयस्क मेढक बन जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसका नाम है कायांतरण, मेटामॉर्फिज्म, कायांतरण, ओके। पांचवा प्रश्न और तीसरा का अंतिम है, मनुष्यों में कैसा निषेचन होता है, मनुष्य में जो निषेचन होता है वो कैसा होता है, आंतरिक, बाह्य, यही यही चीज़ें आपको लिखना है। तो मनुष्य में आंतरिक निषेचन होगा, ठीक है। तो ये तीसरा प्रश्न खत्म हो गया, कोई दिक्कत समझने में, नहीं, वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट नोट करते जाएं, इतना तक तो आप कॉपी में भी, ये सॉरी, किताब में भी पेंसिल से, क्योंकि पेंसिल किताब को गंदा नहीं करना है, क्योंकि वही किताब फिर दूसरे बच्चे पढ़ेंगे, तो यदि आपको किताब में कुछ लिखना हो तो आप क्या करेंगे, उसमें पेंसिल से लिखेंगे, ताकि रबर से उसको बाद में मिटाया भी जा सके, ठीक है। अब अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन, मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन करें, ठीक है, यहाँ चित्र बना दें, ठीक है। ये हो गया शुक्राणु, ठीक है, और यहाँ लिख, यहाँ दे दें, ये हो गया अंडाणु, ठीक है, यहाँ लिखें शुक्राणु, चित्र बना दिया, ठीक है, इसको नरयुग्मक भी बोला जा सकता है, इसी तरह ये हो गया अंडाणु, पहले चित्र बनाने के लिए बोले हैं अंडाणु, और इसको मादा युग्मक बोला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद इन दोनों का ऐसे संलयन होगा, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन और संयोजन, ठीक है, उससे बन जाएगा युग्मनज, क्या बन गया, युग्मनज, दैट इज जायगोट। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाए, इस प्रक्रिया को कहा जाता है निषेचन, मतलब फर्टिलाइजेशन, ओके, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। अब इसी को हमें लिखना है, ठीक है, मनुष्य में होता है इस तरह का, तो आपको इसके बारे में अब लिखना है, तो लिखेंगे, आप लोग लिख लीजिए, क्योंकि लिखने में आप लोग सक्षम हैं, ठीक है। तो लिखें, शुक्राणु जो कि नर जनन कोशिका है, वह वृषण से निकलता है ना, और शिश्न के माध्यम से
मादा में कि योनि में, योनि के माध्यम से गर्भाशय में छोड़ दिया जाता है। इसी तरह मादा के अंडाशय से निकला हुआ अंडाणु इस शुक्राणु से संयोजित होता है। यह प्रक्रिया अंडवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब में पूरा होता है। इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। यह एकल कोशिका है लेकिन इसमें कोशिका वृद्धि होती है, कोशिका विभाजन होता है और वह फिर आगे भ्रूण गर्भ में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, बस इतना सा लिखना है। समझ पाए या नहीं, फिर से बताऊं। नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु और मादा जनन कोशिका मतलब अंडाणु मादा के अंडवाहिनी में पहुंचकर संयोजित होता है और युग्मनज बनाता है। यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है और निषेचन के बाद युग्मनज बनता है। यह युग्मनज बाद में कई कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है जिससे ऊतक बनते हैं, वह कई ऊतकों से फिर अंग बनते हैं और इस तरह से वह विकसित जो संरचना है उसे भ्रूण कहा जाता है। वह आगे और जा करके जब अंदर में जो भ्रूण है उसकी उसके अंगों की पहचान की जा सकती है तो उसको गर्भ कहा जाता है। तो जैसी मर्जी आप लिख सकते हैं, ठीक है, जितना विस्तारित लिख सकते हैं। अब यदि दो या तीन नंबर का होगा तो आपको 5-7 लाइन में ख़त्म कर देना है। समझ गए? तो ये हो गया चौथा प्रश्न। ठीक है, तो आप वीडियो को रोक रोक करके यदि आपको जानना हो तो आप लिख सकते हैं। चलिए, यदि नहीं समझ में आया इतना बोलने के बाद भी तो यहाँ आइए मैं लिखवा ही देता हूँ आपको। ठीक है, मादा के गर्भाशय में शुक्राणु आने के बाद वह मादा के अंडवाहिनी तक पहुंचता है और अंडाणु से संलयन कर या संयोजित कर, ठीक है, युग्मनज बनाता है। यह प्रक्रिया या यह विधि निषेचन कहलाती है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, हो गया। चित्र बनाने के बाद ये बात लिख देना है। सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है समझाइए। अगला प्रश्न है, सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है इसको समझाना है। तो जनन क्यों जरूरी है, ठीक है, तो एक दो पॉइंट। सजीवों में जनन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि, इतना लिखने के बाद, ठीक है, क्योंकि सजीवों में उत्तर जीविता इसी लक्षण पर
इसी लक्षण पर आधारित है। पहला, ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं, सजीवों की पीढ़ी दर पीढ़ी इसी से आगे बढ़ती है। आगे लिख सकते हैं और एक प्रजातियों का अस्तित्व इसी लक्षण पर आधारित है, इसी लक्षण पर निर्भर है। यदि जनन नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि फलां प्रजाति थी। यदि इसमें प्रजनन या जनन का लक्षण खत्म हो जाए तो। अगला प्रश्न है, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में क्या अंतर है? तो आप एक तरफ लिख दें आंतरिक निषेचन, ये पुराना तरीका है, नया तरीका में इस तरह दोनों तरफ नहीं लिखा जाता है, बल्कि एक आंतरिक निषेचन लिखा उसके बारे में लिख दिया, फिर ये जब खत्म हो जाएगा नीचे में बाह्य निषेचन लिख दें। तो चलिए आंतरिक निषेचन ऐसे कर दें और बाह्य निषेचन इस तरह कर दें, ठीक है। सबसे पहले दोनों को परिभाषा से अलग कर दें। पहला नंबर लिखें कि यह मादा के शरीर में होता है, शरीर में होता है, ठीक है। और इसके बारे में लिखें, यह शरीर के बाहर होता है, कोई दिक्कत? दूसरा उदाहरण जैसे लिख सकते हैं, जैसे मनुष्य, हाथी, ठीक है। और इसमें दे सकते हैं दूसरा नंबर में उदाहरण, जैसे मेंढक, मछली आदि। तीसरा और लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, यह सुरक्षित है, मैंने एवरेज रूप से सुरक्षित ही है, यह बाहरी बाधा से सुरक्षित है, ठीक है। यह सुरक्षित कहने का मतलब बाहरी बाधा से सुरक्षित है, यह बाहरी बाधा से असुरक्षित है, बताया था ना कि आंधी हो, बरसात हो, बाढ़ हो, या किसी दूसरे जानवर द्वारा यदि खा लिया जाएगा तो उसके अंडे खत्म हो जाएंगे, है ना। तो इसलिए यह बाहरी बाधा से असुरक्षित है और इसमें कोई बाहरी बाधा से असुरक्षा का कोई खतरा नहीं है, समझ गए। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, उसके उत्तर को समझते हैं। सातवां, अलैंगिक जनन क्या है? सब तो लिखा चुका हूं, अलैंगिक जनन क्या है पूछ रहा है, तो लिखें कि जनन की वह विधि जिसमें संतति माने बच्चा की उत्पत्ति के लिए क्या होता है, एकल जनक की जरूरत पड़ती है, मतलब सिर्फ माँ की जरूरत पड़ती है, जरूरत होती है, जैसे अमीबा में द्विखंडन, ठीक है, हाइड्रा में मुकलन, ठीक है, स्पाइरोगायरा में खंडन, लिख सकते हैं, प्लाज्मोडियम में
बहुखंडन हो सकता है, कोई दिक्कत है ना? कवक, कवक जो है उसमें भी मुकुलन हो सकता है, ठीक है, या फिर पुनरुद्भवन या पुनर्जनन हो सकता है। तो इतने एग्जाम्पल दे देंगे तो हो गया कि अलैंगिक जनन क्या है, क्योंकि क्या है दिया तो उसके साथ आपको एग्जाम्पल उदाहरण भी देना चाहिए। समझ गए? अब अगला प्रश्न है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियों का वर्णन करें। तो चूंकि दो ही विधि का जिक्र है आपकी किताब में, मिटा दे रहा हूँ, तो उसे आप लिख दें, ठीक है? तो लिखेंगे, आठवां प्रश्न है, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां, जंतुओं में अलैंगिक जनन की दो विधियां निम्न है, ठीक है? पहला देंगे, क्या दे देंगे? द्विखंडन, समझे? इसके बाद उसके बारे में लिखेंगे। अमीबा जैसे एक कोशिकीय जीव में केंद्रक और कोशिका द्रव्य, ठीक है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य क्या होता है इसमें? संकुचित हो जाता है, संकुचित होकर दो भागों में बंट जाता है, बंट जाता है और दो एकल अमीबा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, या बनता है, या प्रक्रिया, या यह द्विखंडन की, ये सॉरी अलैंगिक जनन की यह विधि द्विखंडन कहलाती है। समझ गए? इसी तरह दूसरा जो जिक्र है उसका लिखेंगे मुकुलन, ठीक है? क्या लिखेंगे? मुकुलन। इसमें आपको चित्र भी बना देना चाहिए। ये आपने एक अमीबा का चित्र बना दिया, ये केंद्रक हो गया, ये थोड़ा गया तो थोड़ा सा संकुचन हुआ, ओके। इसके बाद फिर जो अगला है उसमें थोड़ा और ज़्यादा संकुचन हो जाएगा, ठीक ना? इसके बाद आगे जो है, इसके बाद वो दो अलग अलग अम्बिबा में बांट जाएगा, ये इस तरह आपको दिखा देना है। तो द्विखंडन के बारे में हो जाएगा। अब चलते हैं मुकुलन के बारे में, ठीक है? तो लिखेंगे, हाइड्रा जैसे जंतु में शरीर पर उभार होते हैं जिसे मुकुल कहते हैं, मुकुल कहते हैं। ये मुकुल विकसित होकर नए हाइड्रा का रूप ले लेते हैं। इस अलैंगिक जनन की इस विधि को मुकुलन कहते हैं, ठीक है? आगे लिख सकते हैं कि यह विधि, अलैंगिक जनन की यह विधि मुकुलन कहलाती है। कोई दिक्कत नहीं? तो बस आपको यदि फिर इसमें चित्र बनाना हो तो बस चित्र बना दें, यहाँ इसका उभार दिखाएं, ठीक है? आगे जा कर के ये और फैलेगा। एक तो ये आपका है ही, ठीक है, ये तो पहले से ही है ही, ठीक है, और दूसरा जो है वो जो है और बढ़ेगा और दूसरा फिर इसी तरह का एक रूप ले लेगा। समझ गए? हाइड्रा का। कोई दिक्कत?
तो एक हाइड्रा से दो हाइड्रा कैसे हो गए? यह जो मुकुल है इसका नाम है मुकुल, और इस चूँकि मुकुल से बना नया हाइड्रा इसलिए इस प्रक्रिया का नाम है मुकुलन। एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नाइन्थ प्रश्न क्या है? माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो बस आंसर इसका लिखना स्टार्ट करेंगे। क्या लिखेंगे? यहीं से स्टार्ट करें। नर युग्मक व मादा युग्मक के संलयन से निषेचन होकर युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है। इसमें कोशिका विभाजन से कई कोशिकाओं का समूह बनता है जिससे ऊतक बन जाते हैं। क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। आगे ये ऊतक अंगों में विकसित हो जाते हैं, विकसित होते हैं, ठीक है। और फिर लिखेंगे कई अंगों से कई अंगों के विकास से अंग तंत्र बनते हैं और ऊतक कई अंगों में विकसित हो जाते हैं। यहाँ पे एक यहाँ समूह बनाते हैं, इसे ऊतक कहते हैं। यह भ्रूण कहलाता है, यह भ्रूण कहलाता है, ठीक है। आगे ये ऊतक अंगों में विकसित होते हैं, कई अंगों के विकास से अंगतंत्र बनते हैं और यह पहचानने योग्य, यह पहचानने योग्य होते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? इसे गर्भ कहते हैं, इसे गर्भ कहते हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। यह 9 महीने में परिपक्व होकर शिशु का रूप ले लेता है, ठीक है। तो युग्मनज से शिशु तक क्या लिखा था? शिशु को जनसिद्ध, शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो परिपक्व होकर शिशु बन जाता है। आगे और कुछ आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना अभी फिलहाल पर्याप्त है कि युग्मनज से फिर उनका विभाजन हुआ तो कई कोशिकाएं बनी, उनसे ऊतक बन गया और ये कई जो ऊतक बन के उनको भ्रूण कहा जाता है और वो भ्रूण फिर आगे बढ़ते अंग बन जाता है, कई अंगों के विकास से फिर अंगतंत्र बन जाते हैं और यह पहचानने योग्य, अंगों की पहचान हम लोग कर सकते हैं, तब उसको गर्भ कहा जाता है। और यह 9 महीने जब पूरा हो जाता है तब यह मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और माँ के शरीर से बाहर आ जाता है जो कि शिशु कहलाता है। आगे आपको और कुछ लिखना हो कि गर्भ में जो शिशु है उसको माँ से पोषण कैसे मिलता है, उसके बारे में लिख सकते हैं कि माँ और बच्चे से एक नाल होता है जुड़ा हुआ जिसको कि हम लोग अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, इसी के माध्यम से अपरा के द्वारा फिल्टर होकर बच्चे को पोषण मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। ये सब बातें आप लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल इतना जो है वो
सफिशियंट है, पर्याप्त है। अगला है, देखिए क्वेश्चन है, दो जंतु हैं, कितने जंतु हैं? दो जंतु हैं, पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक होता है, ठीक है। साथ ही पहला जो है उसमें बाह्य निषेचन, पहला अंडा देता है और दूसरा बच्चे को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए, ठीक है। पहला अंडा देता है, दूसरा बच्चा देता है। पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहेंगे? पहले को बोलेंगे अंड प्रजक, क्या बोलेंगे? अंड प्रजक। दूसरा क्वेश्चन, पहले जंतु के दो उदाहरण दीजिए। पहले जंतु के दो उदाहरण हम लोग बोल सकते हैं मछली, मेढक हो गए, ठीक है। तीसरा, दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु बोलेंगे? दूसरे को बोला जाता है जरायुज। यदि इसका भी एग्जाम्पल बोलता तो लिखते मनुष्य, हाथी, घोड़े, बिल्ली, ठीक है, आदि। तो ये हो गए टोटल सभी प्रश्न, ठीक है। तो यह वीडियो प्रश्न उत्तर वाला आपको समझ में आया कि नहीं, या कोई डाउट रह गया? यदि कोई डाउट रह गया तो आप फिर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। ओके, जय हिंद।